और आपको बता दूं कि आपने द कश्मीर फाइल देखा है ना, तो उसमें जो पंडित वगैरह थे वो यहीं पे रहते थे। ये पंडितों का मकान था। तो अभी इसमें कोई है अभी? मुसलमान रहता है। पूरा मंदिर को कांटे से घेरा गया है। जब पहले यहाँ पर मुसलमान नहीं थे यहाँ पर, उसी वक्त मुझे क्या पता है, भगवान की खातिर हमें माफ करो। गाइस कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप सभी का जन्नत कश्मीर में। और अभी आप खूबसूरती देख रहे हो ना, अभी हमें डल लेक पे, और आज इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत चीज दिखाने वाला हूँ। अगर आप कश्मीर का प्लान बना रहे हो, खास करके जब श्रीनगर आप आते हो, तो यहाँ पे जरूर एक बार जाना देखने के लिए और घूमने के लिए, जिसे बोलते हैं डाउन टाउन, यानी कश्मीर और श्रीनगर का हार्ट जिसे बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं डाउन टाउन को। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं और आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में वहाँ की खूबसूरती। मतलब जितने भी श्रीनगर में पुराने पुराने घर जो बचे हैं ना, अभी डाउन टाउन में ही बचे हैं। तो चलो फटाफट चलते हैं और दिखाते हैं आपको जन्नत कश्मीर का हार्ट बोले जाने वाला डाउन टाउन। इसको बोलते हैं बड़ा जामिया। बड़ा जामिया बोलते हैं। हाँ सर, ये मेरे बाद भी आएगा? हाँ एकदम आएगा। फाइनली आ चुके हैं नवाटा, यानी ये जामिया, यहाँ का सबसे बड़ा मस्जिद है ये, जामिया बोलते हैं इसे। और अभी फिलहाल बंद है, 4 बजे खुलेगा। बहुत ही खूबसूरत है आर्किटेक्चर देखो, और दरवाज़ा देखो, लकड़ी का दरवाज़ा है, फिलहाल 4 बजे खुलेगा ना। तो देखते हैं, पहले गांव घूम लेते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे अगर जाना हो तो। फिलहाल यहाँ सामने मार्केट है। तो देखो यार, फाइनली आ चुके हैं डाउन टाउन एकदम मेन में, और इधर आप गलियां देख के समझ ही गए होंगे कि ये गलियां बहुत ही पुरानी है। ये घर जितने भी है ना, बहुत ही पुराने हैं, कम से कम 150-200 साल पुरानी घर है, जैसे कि आर्किटेक्चर देख के पता चल ही रहा होगा। सारी लकड़ी का है और सब गलियां ही हैं। सामने देख रहे हो ना, बहुत ही पुराना लग रहा है। तो यार चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर क्या नज़ारा थोड़ा। और ऐसे तो इसमें कोई रहता है, कोई है? हेलो भाई साहब, अभी हम एक बहुत ही पुराने घर में आए हैं जो 200 साल कम से कम पुराना है। हमारे लिए भी नया है और आपके लिए भी नया है कि आप इतना पुराना कश्मीर में घर देख पाओगे। ये देखो, देख रहे हो ना, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करके अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है कि अभी हम जिस एरिया में है ना, ये कश्मीर का हार्ट है, यानी जो कश्मीर एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था ना, वो यहीं से हुआ था। आप बाहर का नज़ारा देखो, जितने भी घर दिखाई दे रहे हैं ना, ज़्यादातर इसमें सब पुराने पुराने हैं। और आपको बता दूं कि आपने द कश्मीर फाइल देखा है ना, तो उसमें जो पंडित वगैरह थे वो यहीं पे रहते थे। तो मेरे हिसाब से ये जो टूटे फूटे घर है ना, जो कश्मीरी पंडितों का था, ये देखो कितना ही पुराना। ये देखो इसमें से ना, इसमें से एक दो कश्मीरी पंडितों का भी घर हो सकता है, मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन जब ऐसा कांड हुआ है ना, वो वाला कांड यहीं पे हुआ होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीरी पंडित जो थे ना, बहुत ही अमीर थे। तो क्या ही बोलूं, अब आप घर देखो, बहुत ही पुराना घर है। Seen ISIS level of horror and brutality in Kashmir. ये दीवार देख रहे हो ना, कितना ही मोटा है, और सारे ईंटें पुराने पुराने हैं। आपको जितने भी यहाँ पे घर मिलेंगे ना, जो पुराने पुराने हैं, वो 200-300 साल पुराने घर हैं, उससे भी ज़्यादा पुराना हो सकता है। लेकिन हमने पता किया तो ये पता चला कि सारे घर यहाँ 200-300 साल पुराने हैं। और सच बताऊँ ना, थोड़ा थोड़ा हॉरर सीन भी लग रहा है। क्या बोलेंगे जतिन भैया, डर सीन लग रहा है कि नहीं? सच बता रहा हूं, बहुत डर लगता है। ऊपर चढ़ते हो ना, सीढ़ियां ऐसी थी जैसे साला अभी टूट के गिर जाएगी। हाँ, और वहां से हाथ आ जाएगा। हाँ ऐसा ही है, ये देख रहे हो ना, ये सब लकड़ी पे लगा हुआ है, और ऊपर और टीन है वो। और ये देखो दरवाजे, और ये भी सारे सारे पुराने हैं। ये देखो जितनी भी सीढ़ियाँ हैं ना, सारी की सारी लकड़ी का है। और यहाँ पे काम भी लोग करते हैं, तो इसमें लोग भी रहते हैं, मतलब जो यहाँ पे काम करने आते हैं वो वाले। ये देखो दरवाजा बंद करने वाला सिस्टम। ओ भाई, चलो उतरते हैं यहाँ से। इसके ना मुझे लग रहा है ये शेर का मुंह है। शेर का नहीं है वो, हिप्पो का। ये देखो, ये घर था। अंकल मिले हैं, आप बता रहे हैं कि ये बहुत ही पुराना जगह है। और इधर राजा हरि सिंह जी का मार्केट भी था, उनका अपना मार्केट था। अपना मार्केट था। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं उनका मार्केट। वहाँ मार्केट लगता है या बंद हो गया? नहीं, मार्केट है अभी।
अब इधर बहुत सारे मुस्लिम ने लिया, मार्केट तो चल रहा है अभी, फ्राइडे है इसलिए मूवमेंट कम है। अच्छा, हम मतलब चलिए कोई ये नहीं है कि हम गलत समय पे आ चुके हैं कि लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो लोग जुमा पढ़ने गए होंगे। तो देखो यार, जिस मार्केट में हैं अभी हम, यही मार्केट है महाराजगंज मार्केट, यानी जो राजा थे जब हरि सिंह, उनके समय में यहाँ पे मार्केट लगा करता था और अभी भी मार्केट है। और एक देखा जाए तो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं ना, सब पुरानी पुरानी दुकानें हैं और पुराने पुराने घर के अंदर है। कितना पुराना दुकान है अंकल ये? अरे मुझे क्या पता है, भगवान की खातिर हमें माफ करो। तो देखो, घूमते घूमते आ चुके हैं एक मंदिर के पास। आप पीछे जो मंदिर देख रहे हो, ये रामा कॉल टेम्पल है, मतलब राम जी का मंदिर है। और इसको देख रेख के लिए कोई भी केयर टेकर नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। खासकर तो कश्मीर में श्रीनगर जैसे जगहों पे आपको मंदिर में कम ही लोग दिखेंगे पूजा पाठ करते हुए। और इसी के साइड में बह रही है झेलम रिवर, और यही रिवर जाती है पाकिस्तान में। मंदिर देखो, अगर आप आते हो इधर तो इस मंदिर में जरूर आना। इधर मंदिर ऐसे ही खाली पड़ा है, देख रहे हो ना हालत, देखो मंदिर का कैसा है। और इसके हालत से ही पता चल रहा होगा कि कश्मीर और श्रीनगर में मंदिरों का हालत क्या ही रहता होगा। तो यार, मंदिर का हाल देख के समझ जाओ कि यहाँ पे श्रीनगर कश्मीर में मंदिरों का हाल क्या ही रहता होगा। फिलहाल बंद है, और दरवाजे देखो अंदर, थोड़ा कैमरा डाल के देखता हूँ ये अंदर का हाल है। तो देखा जाए तो मंदिर को देख रेख करने के लिए कोई नहीं है। अंकल एक बता रहे थे, साइड में खड़े हैं, उनसे मैं वीडियो में नहीं ले रहा हूँ, वो बता रहे थे कि मतलब साल में एक दो बार ही लोग आते हैं, जब पूजा होता होगा ना तब आके साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई पूजा पाठ कुछ नहीं होता। जैसा कि अपने हालत देख के मंदिर का पहचान गए होंगे कि मंदिर का हालत क्या है। राम जी की टेम्पल है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं कश्मीर और श्रीनगर में। और टोटल ये जो एरिया है ना, ये डाउन टाउन है। तो यार, मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, अंदर नहीं जा सके क्योंकि बंद है। और मंदिर शंकर भगवान की थी, मैंने राम जी की मंदिर बोल दी थी, लेकिन मेंटेन करना चाहिए यार, कोई मेंटेन नहीं करता। यहाँ के जो लोग हैं ना लोकल, वही कभी कभार खोल के उसको साफ सफाई कर देते थे। बता रहा हूँ, बहुत दुख हो रहा था मंदिर को देख के, वरना पूरे इंडिया में जहाँ भी जाएंगे ना, इतने खूबसूरत गुंबद तरीके से बनाया होता है, पर उसको देख के ना दिल अंदर से रो रहा था। हाँ, थोड़ा अच्छा फीलिंग नहीं आई यार, कि इतना पुराना मंदिर, वो भी बहुत ही पुराना मंदिर है शंकर भगवान का, और ऐसा ही पड़ा हुआ है। वाह, क्या खेला आपने यार। देखो, घूमते घूमते आ चुके हैं जेएनके की सबसे पहली मस्जिद बोला जाए तो ये है, रैंचिंग शाह मस्जिद का नाम है, और सबसे छोटी भी है और सबसे पुरानी भी है और टूरिस्ट प्लेसेस भी है। तो कोई यहाँ पे आया नहीं है, पहले लग रहा है कि हम ही आए हैं टूरिस्ट, एज ए टूरिस्ट बन के चले गए। अंदर जा सकते हैं ना? हाँ जा सकते। तो आपको अंदर से भी दिखाते हैं, चलो खोलो, चलोगे? चलो, हाँ चलो आ जाओ। लाइट नहीं है। सबसे पुरानी मस्जिद है ना आगे? हाँ, कश्मीर की पहली मस्जिद है, कश्मीर की सबसे पहली मस्जिद है यार। ऐसा लग रहा है कि पहली बार हम ही लोग आएंगे, और भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। तो देखो, आप आते हो यहाँ पे ना ओल्ड टाउन में, तो यहाँ पे एक बार जरूर आना। जम्मू कश्मीर की सबसे पहली मस्जिद है, रेंचिंग शाह है ना? हाँ, रेंचिंग शाह। नमाज पढ़ते हैं। ये नया मस्जिद है ये? हाँ, ये वाला मस्जिद नया है क्या? ये पहली, ये कश्मीर में पहली मस्जिद है। और ये? ये भी। तो रेंचिंग मस्जिद ये है कि वो है? ये है, ये मस्जिद अव्वल है ये, मतलब दोनों पुरानी हो, पहले एक ही समय की है। हाँ यार, देखो मतलब ऐसे घूमते घूमते बहुत कुछ पता चल जाता है। ये हम जब निकले थे तो पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर की सबसे पहली मस्जिद हम देख पाएंगे। अजान हो गई थी। अच्छा, यहाँ रेंचिंग शाह, यहाँ पे अजान होता है और इसमें जा सकते हैं ना? हाँ, जब पहले यहाँ पर मुसलमान नहीं थे यहाँ पर, उसी वक्त रेंचिंग शाह ने उसी के ऊपर अजान लगा, पहला अजान। अच्छा अच्छा अच्छा, वर्ल्ड में सबसे पहला, वर्ल्ड में पहली मस्जिद है रेंचिंग शाह, वर्ल्ड की सबसे पहली मस्जिद है। हमें लगा जेएनके की सबसे। नहीं, नहीं, नहीं। अरे यार देखो, ये तो सबसे बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस हो गई। तो मतलब वर्ल्ड की सबसे पहली बार जहाँ पे अनजान लगाया गया, वो अनजान लगाया गया वो ये जगह है रेंचिंग शाह। हाँ, हम गए थे अंदर। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है यार, मतलब ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हमें देखने को मिला जब निकले तब। ये सबसे पहला यहाँ पे अनजान लगाया गया था, ये है दरगाह और ये है मस्जिद अव्वल, मतलब सबसे पहला मस्जिद। हाँ,
तो देखा घूमते घूमते ना भूख लग गई है, तो सोचा कि यहाँ पे बेकरी के चारों तरफ बहुत ज़्यादा शॉप है, तो सोचा भैया कि बेकरी खा लेते हैं। सब नमकीन है ना, दो दे दीजिए कोई सा भी जो अच्छी, मतलब अभी खा सकें हम। ये वाली 10 रुपये की है, अच्छा बड़ी सस्ता है। चलिए यहाँ की एक और सबसे पुरानी मंदिर के पास आ चुके हैं, ये पीछे आप देख रहे हो ना, और ये भी शिव जी का मंदिर है, और भी इसका भी हाल आप देख ही लो, ये भी पुराना है और देख रेख करने के लिए शायद पता नहीं कोई है या नहीं है, ताला लगा हुआ है, साइड में घर है और पीछे मंदिर है। मतलब देखो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हैं तो मंदिरों का हाल ख़राब है, मंदिरों का हाल इसलिए ख़राब है कि कोई देख रेख करने के लिए नहीं है, नहीं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मंदिर है तो तोड़ दो हटा दो, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग यहाँ एक साथ ही रहते हैं। खूबसूरत मंदिर है, बस ये है कि मंदिरों का हालत यहाँ पे ज़्यादा ख़राब है, मतलब ये मंदिर को देख रेख करने वाला कोई नहीं है, नहीं। कोई नहीं है, देखो मंदिर में ताला लगा हुआ है और कोई नहीं है देख रेख के लिए। तो देखो यार जाते समय ना एक और बहुत ही पुरानी घर दिखा है, और देखो ये ध्यान से देखोगे ना तो जली जली खिड़कियाँ हैं सब, और सारी गली है यार, मतलब ये वाला देखो, ये देख रहे हो ना आप खिड़की जला हुआ है, पुरानी पुरानी घर है। तो यार थोड़ी सी बात करें, देखो कश्मीर फाइल जो हमने मूवी देखी है ना वो मेरे हिसाब से गलत नहीं है, कहीं ना कहीं सच्चाई पे ही बनी हुई है वो मूवी कश्मीर फाइल। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। ये देखो ये मस्जिद है, जिस मस्जिद में आए हुए हैं हम, और मस्जिद के पीछे पीछे आपको काली माता का मंदिर दिखेगा, ये जो जाल से घिरा हुआ है पूरा, और यहाँ जा भी नहीं सकते, पूरा ताला लगा हुआ है, दोनों तरफ ताला लगा हुआ है, लेकिन ये मंदिर है, आप सर्च मारोगे ना तो ये मंदिर मिल जाएगा, और ये हाल है यहाँ पे इस मंदिर का। ये मस्जिद है, ये मस्जिद है जिस मस्जिद में हम आगे से आए हैं, और ये पीछे कलर देख रहे हो ना, भगवा कलर लगाया गया है, पूरा मंदिर को कांटे से घेरा गया है। तो यार इस मस्जिद के अंदर हम गए, और इसी के पीछे था एक मंदिर काली माता का। मौसम चेंज हो गया ना, ठंड हो गया ना, फिर कितने सालों से दुकान है आपकी? 5 साल से। कितना पुराना दुकान है सर, बताया नहीं आपने? छिप रहे सर, ये घर बड़ी पुराना लग रहा है। हाँ ये पुराना लग रहा है, ये सब पुराना सर, डाउन टाउन 150 साल का है ये, 150 साल, ये तो लग ही रहा है कि नया है, इसको थोड़ा नहीं नहीं सर किया, रंग किया, थोड़ा इन्होंने मॉडिफाई किया। अच्छा मॉडिफाई किया, मतलब ये पुराना ही है, बेस वैसे ही है। अच्छा ऐसे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, रंग किया है, और उसके साइड वाला ही पुराना लग रहा है, पुराना है, मतलब ज्यादातर घर यहाँ पुराने ही हैं। ये सब पुराने शहर है। अरे भाई पूरा टाउन ही पुराना है, कश्मीर बहुत पुराना है, सबसे पुराना टाउन है ये वाला ना, ये पंडितों का मकान था। तो अभी इसमें कोई है अभी? मुसलमान रहता है। तो उन्होंने क्या बेच के चले गए? उन्होंने बेच दिया, उन्होंने तो उस समय तो सस्ता खरीद लिया होगा उन्होंने, पैसा का वैल्यू था। हाँ उस समय मतलब 1-2 लाख में ही मतलब बिक गया होगा, 10-15-20 हजार, मतलब 10-15-20 हजार में घर मिल गए, कम से कम 70-80 साल हो गए, अभी तो करोड़ों में होंगे यहाँ पे, 70-80 लाख रुपए। तो मतलब ज्यादातर यहाँ पे जो पुराने पुराने घर है पंडितों का था वो बेच के ही चले गए, अभी यहाँ रहते हैं पंडित? नहीं रहते, यहाँ पंडित लोग है ही नहीं, कोई नहीं, तो बेचा ना। हाँ वो तो बेच के ही निकल गए, बेच दिया 90 में, 90 के पहले बेच दिया, 90 में 96 में ऐसे बेच के सब निकल गए यहाँ से। चलो भैया, तो फाइनली यार आ चुके हैं वापस, और अभी मैं वो डल लेक पे, और देखो अभी मैं बात करूँ जहाँ पे हम गए थे डाउन टाउन, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है नो डाउट, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत ही पुरानी पुरानी घरें दिखेंगी, जिसमें से आप कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे रहते थे उनका घर अभी भी वहाँ पे टूटा फूटा, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। अचानक कैसे आ गया यही बता दूँ, जैसा कि अभी शाम हो रहा था और हम जा रहे थे जामा मस्जिद के पास जो यहाँ का सबसे बड़ा मस्जिद है, लेकिन हुआ ऐसा कि आर्मी वाले और पुलिस वालों ने सीधा हमें गाड़ियाँ बैठाया और बोल दिया कि सीधा यहाँ से निकल जा। तो शाम को पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हमें पता नहीं चला, हमने पूछा भी कि सर ऐसा क्यों है, उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने बोला सीधा कि यहाँ से तुम निकल जाओ, और यहाँ तक कि हमने ऑटो करने गए थे फिर भी उन्होंने नहीं, तुम यहीं पे खड़े रहो हम ऑटो कर देते हैं, ऑटो उन्होंने किया और सीधा हमें डल्ले के पास आकर ऑटो वाले ने छोड़ा, उस रास्ते में भी कहीं नहीं रुका। तो फिलहाल ऐसा था माहौल, पता नहीं क्या होता है शाम को वहाँ पे डाउन टाउन में, जो भी होता होगा अच्छा ही होता होगा। तो हम सीधा आ चुके हैं डल्ले के बाद, और अब जा रहे हैं रूम पे, भैया मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। क्या समझते हैं बेटा, तो मेरा कहाँ से वापस आएंगे, क्या कहूँ, लास्ट चांस फॉर रिलेटिव्स टू सी देयर किन रिलेशन, द सम इट ऑल सीम्ड टू मच टू